प्रार्थना में कि मैं वहाँ जाती, मैं पेपर के लिए जा रही थी। सरकार जो नौकरी की उम्मीदें देता है ना, लोगों को उम्मीदें नहीं देता, जान लेता है। उसको पेपर लेने दे तो क्या सीधी से इंटरव्यू नहीं दे सकता है? सीधी के लोग सीधी में पेपर देते तो क्यों जान जाती है? कुछ तो लेडी 6 महीने के बच्चे रखती थी माँ से, हम बच्चे अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाए कितना तड़पे होंगे। दुनिया में आने से पहले उनकी भगवान दुनिया छीन लिया। माँ गोद में ले लेके अपने बच्चों को तड़प के कैसे मरी होगी? क्या ये सरकार सोच सकता है? इतनी बड़ी पुल बनवाया, इतनी बड़ी नहर है, क्या सरकार पुल नहीं बनवा सकता है? लोगों की रक्षा नहीं करता सरकार। मेरा भाई को बस में कम से कम 50-55-60 लोग, इतने तो लगभग, क्योंकि 40-सीटर की बस थी, टोटल बस भरी थी, 2 की जगह 3 भी एडजस्ट थे। कम से कम 15-20 खड़े थे, क्योंकि बस में खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, तो 15-20 तो खड़े ही थे। कुछ लोग तो रात में उतर गए थे, सीट नहीं मिली थी तो बोले हम इससे नहीं जाएंगे। उनका किस्मत अच्छा था, उतर गया। मेरा भाई को हो गया, अभी तक नहीं मिला। मेरा भाई कोई नहीं ढूंढ रहा है, कम से कम ढूंढ के एक बार दिखा दे मेरे भाई को। लेकिन ज़्यादातर बस जो बहुत ज्यादा बड़ी थी। उस समय क्या हुआ जिस समय आप बैठे थे कहाँ पर, कैसे करते हैं? मैं सीधी से बैठी थी सपना के लिए। मेरा आदित्य इस कॉलेज में पेपर था, मेरे साथ में मेरा भाई पेपर के लिए जा रहा था। चलिए भाई से बस की स्पीड बहुत तेज बढ़ी, बहुत तेज, इसकी कोई सीमा नहीं। अचानक से बस बैठी और ले जाकर ढोस दिया था। अगर वो उधर भी डोसा होता तो चिकने में चली जाती बस में, इतने लोगों की जान ना जाती, और जाती भी तो कम से कम सही सलामत मिल जाते, देखने के लिए तो मिल जाते, जान कर ले बस लोगों की जान। कुछ लोग बोले कि सामने से दूसरी गाड़ी आ रही थी, इसलिए भाग गए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं आई, बिल्कुल भी गाड़ी नहीं आ सकती, एक साइकिल तक नहीं आई, गाड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं आई। ये गाड़ी आई होती तो हम लोग को तो सामने दिख रहा था ना। अच्छा, आप आगे बैठे थे? आगे नहीं बैठे थे, हम पीछे से सेकंड नंबर सीट पे बैठे थे, मैं और मेरा भाई। लेकिन फिर भी सामने का पोर्च पूरा दिखता है कि सामने क्या हो रहा है। गाड़ी नहीं आई है बस, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। ये वाले रास्ते से क्यों गया था ड्राइवर? ये रास्ता तो घाट होके जाने वाला, बस का जो परमिट था ये छुया घाटी होके गोविंदगढ़ होके जाता है, ये नहर वाले रास्ते से क्यों गया? मुझे नहीं पता क्यों गया, लोगों की जान लेनी थी। गोविंदगढ़ में ही बोल रहा था, गोविंदगढ़ में ही बोल रहा था, अपनी जान बचाना हो तो बचाओ। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, क्या पता ना साला बस रोका कि सबको उतरते तो हम भी उतर जाते। मेरे भाई की जान चली गई, अभी तक मिला भी नहीं। ये कौन बोल रहा था? बस एकदम हड़बड़ाहट मच गई है, अब सब कोई भागने लगे, बस पानी में गिर गई तो जाएगा, शीशा भी नहीं खुला। मोबाइल से मैं टच का फोन तैसे तोड़ने की कोशिश की, शीशा पर शीशा नहीं टूटा। मेरा भाई कैसे छूट गया? वो ड्राइवर ऐसा बोला था कि बचना है तो बच जाओ। हाँ, ड्राइवर ऐसा बोला था, अपनी जान बचाना हो बचाओ, क्योंकि कुछ लोग आगे बैठे थे तो बस फिर रुकी थी, तो बता रहे थे बहुत सारे लोग।